कंप्यूटर क्या है, उसकी टाइप्स को देखेंगे, कैटेगरीज देखेंगे कंप्यूटर की, उसके यूजेस देखेंगे, और नियर फ्यूचर में कंप्यूटर्स किस तरह यूज़ होंगे इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये हो सकता है कि आपकी आउटलाइन से कुछ मैं ज़्यादा पढ़ा दूँ, मतलब कि आपको कुछ चीज़ें ज़्यादा बता दूँ, इससे आपने बिल्कुल वरीड नहीं होना कि सर इसमें यूजेस नहीं थे, आपने यूजेस बनवा दिए हैं। जैसे भी आप फिल वक्त अपना माइंड ब्रॉड रख के नॉलेज गेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आपने पढ़ना है। जब बाद में डिटेल नोट्स में प्रोवाइड करूँगा तो इसमें टू द पॉइंट्स होंगे सिलेबस के, आपके आउटलाइन के बिल्कुल अकॉर्डिंगली। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपका जानना ज़रूरी है, इस बात से कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके आउटलाइन में इनमें से कुछ एक आध टॉपिक था या नहीं था। तो हम शुरू करते हैं। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर ड्राइव्ड फ्रॉम वर्ड कंप्यूट, कंप्यूट वर्ड से कंप्यूटर का वर्ड ड्राइव हुआ है। कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट करना। इन पास कंप्यूटर वॉज नॉर्मली कंसिडर्ड टू बी अ कैलकुलेटिंग डिवाइस यूज टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस। शुरू में होता ही ये था कि सिंपल जिस तरह कैलकुलेटर होता है, अरिथमेटिक ऑपरेशन का मतलब जमा, नफी, ज़रब, तकसीम वगैरह, ये काम करने के लिए कंप्यूटर्स यूज होते थे। बट टुडे कंप्यूटर्स आर यूज इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। लेकिन आज के दौर में कंप्यूटर वो सिंपल कैलकुलेटर नहीं रहा, ये ज़िंदगी के हर शोबे में यूज़ हो रहा है और इसके डिफरेंट काम हैं। ठीक है, हर शोबे में डिफरेंट काम के हिसाब से कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होगी? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट इज़ यूज्ड टू सॉल्व डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट। एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए, डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए यूज़ की जाती है। और कंप्यूटर काम किस तरह करता है? अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट। कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस, जो हदायत हम देते हैं, ये बिल्कुल उसी के मुताबिक काम करता है। फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का क्या फंक्शन है? एक्सेप्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस एज इनपुट। ये डेटा अगर हम इसको देना चाहें, इसमें डेटा एंटर करना चाहें या इंस्ट्रक्शंस एंटर करना चाहें एज इनपुट, तो ये इनको लेता है एंड स्टोर्स देम इन इट्स ऑन मेमोरी। जो इसकी अपनी मेमोरी है उसके अंदर स्टोर कर लेता है। प्रोसेसेस आर मैनिपुलेट्स डेटा अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोड्यूसेस इंफॉर्मेशन। जो डेटा हम इसको प्रोवाइड करते हैं ये उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस का मतलब कि उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है, उसको मैनिपुलेट करता है, उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ऑपरेशन किसी भी टाइप का होता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने एक वर्ड पढ़ा था अरिथमेटिक। अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो होते हैं इसमें जमा का ऑपरेशन है, ज़रब हो सकता है, तकसीम, मल्टीप्लिकेशन, सॉरी ज़रब मल्टीप्लिकेशन एक ही बात है, माइनस, इस तरह के ऑपरेशंस को हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस कहते हैं। तो जो भी डाटा प्रोवाइड करेंगे इसको, जो भी कंप्यूटर में इनपुट देंगे डाटा कंप्यूटर के अंदर, तो जो हदायत हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको हम प्रोग्राम्स कहते हैं, उसके मुताबिक उसको प्रोसेस करेगा और इंफॉर्मेशन देगा हमें एज अ आउटपुट। स्टोर्स इंफॉर्मेशन परमानेंटली ऑन स्टोरेज डिवाइसेस फॉर लेटर यूज। ये तो बिल्कुल बेसिक है कि आपको इस बात का पता होगा कि कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज डिवाइसेस, जिसको आप हार्ड डिस्क कहते हैं, वो होती है। और जो परमानेंटली कोई चीज़ कंप्यूटर ने स्टोर करनी होती है, वो स्टोरेज डिवाइस यानी हार्ड डिस्क के अंदर उसको स्टोर कर लेती है। मतलब कि जो डाटा हम उसको देंगे उसको प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट आएगी उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं, और इंफॉर्मेशन को बाद के यूज़ के लिए वो कंप्यूटर अपने पास सेव कर सकता है। रिट्रीव्स इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस फ्रॉम स्टोरेज डिवाइसेस व्हेन रिक्वायर्ड। रिट्रीव का मतलब है कि जो चीज़ आपने सेव की हुई है उसको दोबारा फिर से चेक करना, उसको दोबारा फिर से देखना। आपने एक पिक्चर उतारी, आप पिक्चर को जब दोबारा फिर से गैलरी में जाके देखेंगे तो आप उसको रिट्रीव कर रहे हैं अपने मेमोरी से। रिट्रीव का मतलब दोबारा फिर से उसको एक्सेस करना। तो जो कुछ हम सेव करेंगे स्टोरेज डिवाइसेस में, उनको आप बाद में किसी भी वक्त रिट्रीव करके देख सकते हैं।
कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ मैनी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल कंपोनेंट्स। कंप्यूटर के अंदर एक जो कंप्यूटर जिसको एक हम कहते हैं जिसको सीपीयू कहते हैं उसके अंदर बहुत से इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल कंपोनेंट्स लगे होते हैं। कंपोनेंट्स नोन एज हार्डवेयर और उन कंपोनेंट्स को हम हार्डवेयर कहते हैं। सिंपल ये आपने बात याद रखनी है कि कंप्यूटर के वो वाले जो हिस्से हैं जो फिजिकली मौजूद हैं जिनको हम टच कर सकते हैं वो सारे हार्डवेयर हैं। अ कंप्यूटर परफॉर्म्स डिफरेंट ऑपरेशंस अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर ने जो भी काम करना है वो उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग करना है जो उसको दी जाती हैं। दीज इंस्ट्रक्शंस टेल द कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। ये इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को बताती हैं कि जो आपने काम करना है उसको किस अंदाज से करना है, किस तरह करना है। सम इंस्ट्रक्शंस आल्सो कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। और कुछ इंस्ट्रक्शंस इस तरह होती हैं जो कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको भी कंट्रोल करती हैं। ठीक है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी गिवन टू अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क और टू कंट्रोल डिफरेंट ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर आर नोन एज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर प्रोग्राम। जिन बच्चों ने पहले कंप्यूटर पढ़ा हुआ है उनको पहले से ही अच्छी तरह पता होगा कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो वन बाय वन लिखी होती हैं जो कंप्यूटर को ये बताती हैं कि ये काम आपने किस तरह करना है। ठीक, जैसे एक सिंपल कैलकुलेटर की हम एग्जाम्पल लें तो जब आप प्लस को प्रेस करते हो, प्लस पे क्लिक करते हो, तो ये इंस्ट्रक्शंस पहले से लिखी हुई हैं कि जब प्लस पे आप क्लिक करोगे तो ये काम किस तरह उसने करना है, उन दोनों को जमा कर देना है। ठीक है, तो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डेट कैन बी गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। कोई भी काम कंप्यूटर से करवाने के लिए वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो लिखी हुई होती हैं, जो कंप्यूटर को दी जाती हैं, उनको हम कंप्यूटर प्रोग्राम या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहते हैं। अ कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या था? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या है? ये एक काम है, इसको आपने किस तरह करना है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, तो कंप्यूटर को अगर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही नहीं है, अगर उसे ये ही नहीं पता कि ये जो काम है इसको मैंने किस तरह करना है, तो वो काम नहीं कर सकता। ठीक है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो कंप्यूटर है इसमें दो चीजें सबसे ज्यादा अहम है, एक है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो वाले कंपोनेंट्स जिनको आप फिजिकली टच कर सकते हैं, जिनको आप हाथ लगा सकते हैं कंप्यूटर पे, सीपीयू में है जैसे उसकी एलसीडी है, माउस है, कीबोर्ड है, इसके अलावा इसके रैम है, हार्ड डिस्क है, सीडी रोम है, ये सारे के सारे बच्चों हार्डवेयर है। और दूसरा है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को आप फिजिकली टच नहीं कर सकते, लेकिन सॉफ्टवेयर अभी हमने पढ़ा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को दी जाती हैं, जो कंप्यूटर को ये बताती हैं कि कोई भी काम आपने किस तरह से करना है, उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। स्मॉल कंप्यूटर्स आर आल्सो फिटेड आर एम्बेडेड इनटू एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। जो छोटे कंप्यूटर हैं वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के अंदर फिट भी होते हैं। ये थोड़ी सी आउट ऑफ आपकी चली गई बात के, लेकिन ये हकीकत है कि जिस तरह आपके आजकल की वॉशिंग मशीन्स आ रही हैं ऑटोमेटिक, या आपके ओवंस आ रहे हैं, आपकी जो एसी आ रहे हैं, उनमें स्मॉल कंप्यूटर्स लगे होते हैं जो उसको कंट्रोल करते हैं। ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये बात ऐड की है कि छोटे छोटे कंप्यूटर्स उनके अंदर भी एम्बेडेड होते हैं, उनके अंदर भी फिट होते हैं जो उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये कंप्यूटर के दो डिफरेंट जो मेन पार्ट थे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। आगे एक कॉन्सेप्ट है डेटा एंड इंफॉर्मेशन का। डेटा क्या है और इंफॉर्मेशन क्या है, ये चीज अभी थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस की थी कि कंप्यूटर को हम कोई डेटा देते हैं, कंप्यूटर उसके ऊपर कोई ना कोई प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है, प्रोसेसिंग परफॉर्म करने के बाद उस डाटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करता है।
इधर हम डिटेल से देखेंगे कि डेटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होती है। वर्ड डेटा रेफर्स टू फैक्ट कंसर्निंग थिंग्स पीपल ऑब्जेक्ट इवेंट्स एटसेट्रा। कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डेटा। जिसकी प्रॉपर डेफिनेशन है ये है कि कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डेटा। फैक्ट्स एंड फिगर्स का जो लफ्जी मतलब है वो है डिटेल्स, कि किसी भी चीज के बारे में जो फैक्ट्स और फिगर्स का मतलब डिटेल है उसको हम डेटा कहते हैं। एक वर्ड इधर एक और यूज हुआ है जो है रॉ। रॉ का मतलब होता है अनप्रोसेस्ड, जिस चीज पे कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई उसको रॉ कहते हैं। इसको आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोगों ने जिन्होंने मैट्रिक में केमिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ा है उधर पेट्रोलियम के बारे में एक सब्जेक्ट था, उसमें लिखा हुआ था कि जो हम पेट्रोल निकालते हैं जमीन से वो रॉ फॉर्म में होता है। आपको ये पता होगा कि जो जमीन से हम निकालते हैं हम तेल, उसी से पेट्रोल निकलता है, उसी से मिट्टी का तेल निकलता है, उसी से प्लास्टिक बनता है और उसी से दूसरे जो तमाम ऑयल्स हैं वो बनते हैं। इस उसको हाम तेल इसलिए कहते हैं कि उस तेल पे अभी कोई भी प्रोसेसिंग नहीं हुई होती। जब उस पे प्रोसेसिंग होगी तब ये जो मैंने आपको गुनवाए हैं मिट्टी का तेल है पेट्रोल है ये सारी चीज़ें उस पे से निकलेंगी, तो वो क्या होता है रॉ फॉर्म में। तो कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हाम हालत में जो डिटेल होती है किसी भी चीज़ के बारे में उसको हम डेटा कहते हैं। ऊपर वाली लाइन देखिए आप, वर्ड डाटा रेफर्स टू फैक्ट्स कंसर्निंग थिंग्स, ये किसी चीज़ के बारे में होता है, हो सकता है किसी भी पीपल्स के बारे में, कोई ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी इवेंट के बारे में, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में ये डिटेल ये फैक्ट्स एंड और फिगर्स हो सकते हैं। वर्ड रॉ मीन्स अनप्रिपेयर्ड और अनप्रोसेस्ड। जैसे अभी आपको बताया कि अनप्रिपेयर्ड जिस पे कोई अमल अभी नहीं हुआ, वर्ड रॉ का मतलब ये है। डेटा में कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट नंबर इमेजेस ऑडियो एंड वीडियो, और जो आपका डेटा है वो इनमें से किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वो या तो टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट से मुराद जो लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो, या वो नंबर्स हो सकते हैं, या वो इमेज हो सकते हैं, वो सारी तस्वीरें हों वो भी एक डेटा है। अगर ऑडियो फॉर्म में अगर सॉन्ग्स पड़े हुए हैं ठीक है ऑडियो फॉर्म में वो भी डाटा है, अगर वीडियोस पड़ी हुई हैं तो वो भी डाटा है। तो डाटा इनमें से किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आगे डाटा इज कलेक्टेड फॉर डिफरेंट पर्पसेस, और डाटा को कलेक्ट जो किया जाता है इसके डिफरेंट मकसद है। इट डज नॉट गिव क्लियर एंड प्रॉपर मीनिंग्स। सारे के सारे डाटा को हम इकट्ठा देखें तो उसमें से कोई प्रॉपर मतलब नहीं निकलता, प्रॉपर मीनिंग नहीं, कोई काम की चीज़ हम पूरे पूरे को देखें तो उसमें से कोई नहीं निकलती। इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली फॉर डिसीजन मेकिंग। ये डिसीजन मेकिंग के लिए कोई फैसला साजी के अमल में ये डायरेक्टली हमारी कोई मदद नहीं करता। एग्जाम्पल से आपको ये अच्छी तरह क्लियर होगा कि जब आप एडमिशन लेते हैं कॉलेज में तो वो आपसे एडमिशन फॉर्म के ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, आपका नाम, आपके वालिद का नाम, आपके घर का पता क्या है, आपने कितने मार्क्स लिए थे, ये भी हो सकता है आपको अच्छी तरह पता है कि आपसे आपका फ़ोन नंबर, आपके घर का फ़ोन नंबर, बहुत सारी चीज़ें वो लेते हैं। वो सारी किसी सारी चीज़ें हैं डेटा, वो आपसे डाटा कलेक्ट करते हैं ठीक है। तो एज अ होल हम देखें तो पूरे डाटा में से सिर्फ आपको एडमिशन देने के लिए क्या क्या चाहिए, सिर्फ आपका आपके मार्क्स का मार्क्स पता हो कि आपके मार्क्स कितने हैं तो उसके बेस पे आपको एडमिशन हो जाए। लेकिन वो जो दूसरी अननेसेसरी चीज़ें जो आपसे कलेक्ट करते हैं, आपका नेम, आपके फादर का नेम, आपकी रहाइश, फ़ोन नंबर्स वगैरह, वो सबको हम कलेक्टिवली देखें तो वो डेटा है ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन आ जाए, प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन।
अगर डाटा के ऊपर कोई ना कोई अगर हम प्रोसेसिंग करें, कोई ना कोई उसको मैनिपुलेशन करें, कोई ना कोई उसके ऊपर ऑपरेशन सर अंजाम दें, तो उस चीज़ को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे कॉलेज में एग्जांपल मैं देता हूँ, 1000 स्टूडेंट्स थे, 1000 स्टूडेंट्स में से हम ये देखना चाहते हैं कि वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनके रोल नंबर, जिनका नंबर जो मार्क्स ऑब्टेंड है एग्जामिनेशन में से वो सबसे ज़्यादा है, उनमें से हम दो स्टूडेंट्स को निकालना चाहते हैं। तो सारे के सारे जो डाटा स्टूडेंट्स का था और उसके ऊपर कोई ना कोई प्रोसेसिंग करके हमारे पास वो दो नाम आ जाएंगे जिनके मार्क्स सबसे ज्यादा थे एग्जाम में। इस चीज को बच्चों कहते हैं इंफॉर्मेशन, डाटा में से वो चीज निकालना जो हमारे काम की है। ठीक है, अब एक फाइल या किसी भी फॉर्म में या एडमिशन फॉर्म्स की सूरत में, एडमिशन की फॉर्म में जो थे एडमिशन फॉर्म आपने जमा कराए उसमें 1000 स्टूडेंट्स का एडमिशन फॉर्म थे, 1000 स्टूडेंट्स में के एडमिशन फॉर्म में से हमने वो दो स्टूडेंट्स को निकालना है। हम जानना चाहते हैं वो कौन से दो स्टूडेंट्स हैं जिनके नंबर्स इन बाकी के 1000 स्टूडेंट्स से ज़्यादा हैं। तो डेटा में से इस चीज़ को निकाल के जो चीज़ हमें मिलेगी, जो दो नाम मिलेंगे हमको, वो इन्फॉर्मेशन है। प्रोसेस डेटा गिव्स क्लियर एंड प्रॉपर मीनिंग। इंफॉर्मेशन को प्रोसेस डाटा भी कहते हैं और ये आपको बहुत क्लियर और प्रॉपर मीनिंग देता है और ये बड़े काम की चीज निकलती है उसमें से। इट कैन बी यूज फॉर डिसीजन मेकिंग, ये फैसला साजी के अमल में आपके काम आ सकती है। जैसे आपने ये डिसाइड करना हो कि वो कौन से दो स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स बाकी स्टूडेंट से ज्यादा हैं और उनको कुछ स्कॉलरशिप देना हो, स्कॉलरशिप देना देना है आपने, वो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है, फैसला साजी का अमल है। तो आपकी इंफॉर्मेशन फैसला साजी के अमल में काम आती है। अब अगला जो टॉपिक है वो है बच्चों हमारे डेटा प्रोसेसिंग का। डेटा प्रोसेसिंग का ऐसा हमने टॉपिक अभी पढ़ लिया है, वो ये कि डेटा तो जो था 1000 स्टूडेंट्स का, उसके ऊपर आप कुछ ना कुछ काम करोगे, कुछ ना कुछ ऑपरेशन सर अंजाम दोगे उनमें से वो दो स्टूडेंट्स का डाटा निकालने के लिए जिनके नंबर बाकी तमाम स्टूडेंट से ज़्यादा हैं। तो ये जो काम आप करोगे दो स्टूडेंट्स को निकालने का, जो अमल सर अंजाम दोगे, इसी चीज़ को डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। इसकी फॉर्मली हम डेफिनेशन देख लेते हैं। अ प्रोसेस टू कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा प्रोसेसिंग, वो वाला प्रोसेस जिससे हम डेटा को इंफॉर्मेशन के अंदर चेंज करते हैं, इस चीज़ को हम डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। डिफरेंट ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड ऑन डेटा टू कन्वर्ट इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, डेटा के ऊपर डिफरेंट प्रोसेस करके हम डेटा को इंफॉर्मेशन के अंदर, यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए अंदर चेंज करते हैं। आपका जो डेटा है हमेशा रॉ कंडीशन में होगा, हार्म कंडीशन में, और आपकी जो इंफॉर्मेशन है हमेशा यूजफुल होगी। और वो वाला प्रोसेस जिसमें हम डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करते हैं, उस प्रोसेस को डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। ऑपरेशन जो हम इस पे परफॉर्म कर सकते हैं ये बहुत से टाइप के हैं, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं, डेटा को जमा करना, जैसे हम कहते हैं कि स्टूडेंट्स की एवरेज निकाल लो, 1000 स्टूडेंट्स थे उन हमारे कॉलेज से, अगर 1000 तो है ज्यादा है, हम कह रहे 300 स्टूडेंट्स है, 300 स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट आया तो इनकी एवरेज निकालो। एवरेज किस तरह निकालते हैं, 300 स्टूडेंट्स के डाटा के नंबर्स को जमा करो और 300 पे डिवाइड करो तो फिर एवरेज निकलेगी। तो ये जो अर्थमेटिक ऑपरेशन भी हो सकते हैं, इसके अलावा डाटा सॉर्टिंग भी हो सकती है। जो पिछले हमने की थी वो डाटा सॉर्टिंग थी। सॉर्टिंग दो तरह की होती है, एक होती है सेंडिंग, एक होती है डिसेंडिंग। अगर तो हम छोटे से बड़े की तरफ जाएं तो उसको सेंडिंग कहते हैं। जैसे नंबर्स 1 2 3 फिर 4 फिर 5, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ, ये असेंडिंग। डिसेंडिंग होता है बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आना, 10 10 के बाद 9 9 के बाद 8 8 के बाद 7, ये डिसेंडिंग है। सॉर्टिंग दो टाइप की। तो पहले जो अभी मैंने एग्जाम्पल दी थी 1000 स्टूडेंट से दो स्टूडेंट्स को निकालना, उसको हम सॉर्टिंग करेंगे। सॉर्टिंग हम असेंडिंग फॉर्म में करेंगे, जो पहले दो होंगे वो हमारी इंफॉर्मेशन होगी। इसके अलावा डाटा फॉर्मेटिंग, डाटा फॉर्मेटिंग का मतलब है डाटा को डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर डिवाइड करना, डिफरेंट फॉर्मेट में उसको लिखना। डाटा कैन बी प्रोसेस्ड मैनुअली और बाय यूजिंग अ कंप्यूटर। अगर 1000 स्टूडेंट्स की फाइल आपको देखनी पड़ जाए
आप अब खुद बैठ के वो काम कर रहे हैं, तो वो आप मैन्युअली कर रहे हैं। लेकिन अगर कंप्यूटर के अंदर डाटा एंटर किया हुआ है 1000 स्टूडेंट्स का, और आप कंप्यूटर को कहें कि जी इसमें से 2 स्टूडेंट्स कौन से हैं, तो कंप्यूटर आपको जो काम करके देगा वो डाटा प्रोसेसिंग फ्रॉम कंप्यूटर होगी। टूडे डाटा इज प्रोसेस्ड यूजिंग अ कंप्यूटर। जो हमारा कंप्यूटर है, आज का जो कंप्यूटर है, वो एक डाटा प्रोसेसर ही है। वो डाटा को प्रोसेस करता है। और जो ऊपर वाली एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी, अगर यही काम आप बैठ के करें, 2-3 घंटे का ये काम होगा कि 1000 स्टूडेंट्स के फाइल को देखना और एंड पे ये रिजल्ट निकालना कि इसमें से कौन से 2 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं। और जो आप काम करेंगे उसमें गलती की गुंजाइश भी ज़्यादा होगी। लेकिन जो कंप्यूटर का, ये 1 सेकंड से भी कम वक्त का काम है कि उन स्टूडेंट्स को निकालना, और इसमें गलती की गुंजाइश भी नहीं है। तो कंप्यूटर्स एंड डेटा प्रोसेसर्स आर द सेम थिंग। डेटा इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू कंप्यूटर, इट प्रोसेसेस डेटा अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन एंड कन्वर्ट इट इनटू रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिजल्ट। देखें, डेटा भी कंप्यूटर को दिया जाता है और इंस्ट्रक्शंस भी कंप्यूटर को दी जाती हैं। और हम ये बात पहले ही कर चुके हैं कि जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दी जाती हैं उसे हम सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहते हैं। अब किसी साबित ये हुआ कि किसी सॉफ्टवेयर को हम डेटा देते हैं, तो कंप्यूटर उसको, उस डेटा को प्रोसेस करता है। किस मदद से? उन इंस्ट्रक्शंस की मदद से। सॉफ्टवेयर की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर जो हदायत लिखी हुई है कि ये काम आपने किस तरह करना है, करेगा उसको बाद में रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन में या रिजल्ट में चेंज कर देगा। जो भी आपने इंस्ट्रक्शंस दी होंगी उस हिसाब से उसको प्रोसेस करके उसको इंफॉर्मेशन या रिजल्ट में चेंज कर देगा। आज के लेक्चर के लिए बच्चों इतना ही। अगर जितना हमने पढ़ा इसमें से कोई भी आपको कोई मसला हो, कोई बात समझ में ना आई हो, तो आप लोग मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं, आप फीडबैक दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इससे अच्छा ऑनलाइन क्लासेस में इससे अच्छा भी कुछ हो सकता है, तो आप मुझे फीडबैक दें। और कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। कल तक के लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह कल नए लेक्चर के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।